हेलो एवरीवन वन शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिफ्रेंशिएशन इक्वेशंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी हैं तो आप पहले उनको भी देख लें क्योंकि जो क्वेश्चन उनमें हैं वो मैंने इसमें नहीं दिए हैं तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो उनको भी एकदम क्लियर करके चलें मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स वाई इक्वल सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर सी इज अर्बिटरी कॉन्स्टेंट हमें क्या करना है हमें इसकी क्या फाइंड करनी है डिफरेंशियशन इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो हमारा सी कॉन्सटेंट है इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा तो हम इसको प्रूव करके इसको हम डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन लेकर आएंगे इसकी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री का है तो इसमें क्या होगा हम डी वाई व को पास पास ले आएंगे यानी कि ये जो हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा डी वाई के टर्म एक तरफ डी एक्स के टर्म एक तरफ फिर हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ठीक है आप उसी के टाइप से इसे सॉल्व करें आप इन्हीं के टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी लगा कर देख सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन वर्स वाई माइनस एक्स डी वाई तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम डीवाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर उसके बाद हम इसे लीनियर इक्वेशंस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है ये सभी क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर के हैं तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप इसको जरूर कर लें क्योंकि इससे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी आपका स्ट्रोंग भी हो जाता है तो इस चैप्टर को तो ना छोड़ें आप ठीक है अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्वेश्चन थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर क्या है वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल ज़ीरो सेम ये वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है पूरा थर्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है तो इसको आप जरूर कर लें क्वेश्चन फंसने के काफ़ी चांस रहते हैं इस चैप्टर में से नेक्स्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यू माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल जीरो ये हमें दे रखा है तो हमें ये सॉल्व करना है डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन को ठीक है तो आप इन सभी को अच्छे से सॉल्व करके देखना नेक्स्ट है हमारा वाई प्लस पी एक्स इक्वल पी स्क्वायर एक्स फोर तो ये क्या है ये हमारा जो सेकेंड चैप्टर है आ, उससे लिया गया है तो इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं वाई ये हमारा होगा हमारा सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए तो सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स होते हैं ठीक है तो ये हमारा चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नोट ऑफ फर्स्ट डिग्री का ठीक है अगला है हमारा फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल एम स्क्वायर तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है जर्नल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दिज वाई स्क्वायर इक्वल फोर ए एक्स प्लस ए तो इसकी हमें क्या निकालनी है इसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजटरीज निकालनी है तो ये वाला जो चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्रेजटरीज का काफी इंपॉर्टेंट है आप इसको मिस ना करें इससे क्वेश्चन आता जरूर है तो आप इसे ज़रूर देख लें आपके प्रीवियस ले, जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था कुछ शायद ये आया था आर इक्वल ए वन प्लस कॉस छीटा ये मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था तो इसी टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इक्वल एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स ठीक है ये वाला जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उससे लिया गया है ये हमारा लीनियर डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट से सेम ये भी इसी से है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल सेक एक्स से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप अच्छे से देख लें और जो प्रीवियस पेपर हैं उनको भी सॉल्व करके देखें उससे आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल हमें क्या दे रखा है एक्स लॉग एक्स ठीक है तो ये वाला आप इस चैप्टर को भी जरूर देखें ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन काफ़ी इजी कंसेप्ट है, है। एकदम आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इसे तो आप इसको जरूर करें एक ही एक्सरसाइज है इसमें केवल और ये भी सेम इसी चैप्टर का है एक्स प्लस ए का होली स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल एक्स ठीक है इसी के टाइप के और भी क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा के देखें अच्छे से प्रैक्टिस करें अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन एट डी एक्स अपॉन वन इक्वल डी वाई अपॉन माइनस टू इक्वल डी जेड अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस टू एक्स तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये हमारा ऑर्डनरी सिमलटनिश डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल एक्स प्लस वन डॉट ई की पावर एक्स तो ये ये हमारा चैप्टर सेवन लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कॉन्स्टेंट से लिया गया है तो आप सेवन चैप्टर को आप जरूर कर लें क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मेथड भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई व डी एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने में के लिए मिल जाएंगे इस चैप्टर के अलग अलग मेथड से तो आप इस चैप्टर को जरूर लगा लें इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन अप्लाई चारपिट्स मेथड टू फाइंड सी आई सी आई यानी आ, आपको इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है तो हमें क्वेश्चन दे रखा है जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल वन इसका आपको चारपिट मेथड की हेल्प से इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है सेकेंड है हमारा फाइंड द कम्प्लीट इंट्रीगल ऑफ वाई माइनस एक्स क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व बाय मोंगेज मेथड तो ये मोंगेज मेथड काफी इंपॉर्टेंट है जो मोंगेज मेथड का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप जरूर कर लें क्योंकि आ, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है जरूरी नहीं है वहाँ पर आपसे लिखा ही रहा हो कि मोंगेज मेथड से सॉल्व करिए पर आ, इस चैप्टर से आ जाता है डायरेक्ट आपसे बिना ये लिखे बिना भी जैसे मोंगेज मेथड से ना सॉल्व करके आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा सकता है ठीक है ये पिछले जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें आया था आरिक्ल ए स्क्वायर टी तो आप मोंगेज मेथड को जरूर देख लें एक बार नेक्स्ट है हमारा स्टेट रोडियस फार्मूला एंड प्रूव तो हमें इसमें फॉर्मूला को प्रूव करना है इसकी स्टेटमेंट लिखनी है ये या फिर आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है कि ये प्रूव करिए क्योंकि यही हमारा रोडरी रोड फॉर्मूला है तो आप इसे जरूर देख लें नेक्स्ट है सॉल्विंग सीरीज द बेसल्स इक्वेशन तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओ डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल जीरो यहाँ पर हमें क्या करना है टेकिंग टू एन एस नन इंटीग्रल जो टू एन है वो हमें नन इंटीग्रल मानना है नन इंटीग्रल लेके चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव डेट अब ये हमारा अब हमारा अभी तक क्या चल रहा था हमारा डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन चल रहा था अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपका लाप्लास इन्वर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाप्लास इनवर्स और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप ना छोड़ें क्योंकि इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन फंसता है हमारा लाप्लास इन्वर्स से तो ज़रूर आता है तो आप इसे अच्छे से एकदम क्लियर करके जाएँ इसी के टाइप के और भी क्वेश्चंस देखें तो क्या है ये हमारा प्रूफ डैट इफ एल एफ टी इक्वल एफ पी देन एल एफ ए टी इक्वल वन अपॉन ए एफ पी अपॉन ए तो हमें ये दे रखा है और हमें प्रूफ करके लाना है एल एफ ए टी इक्वल वन अपॉन ए एफ पी ए तो ये हमारा चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी का है आपसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि स्केलर प्रॉपर्टी जो होती है उसे हमें प्रूव करके दिखाइए या फिर आपको स्टेटमेंट दे के भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है नेक्स्ट है हमारा लिमिट जो है हमारी जीरो से इन्फिनिटी है साइन टी अपॉन टी डॉट डी टी इक्वल पाई बाई टू ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर का है अगला क्वेश्चन है हमारा लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी फोर प्लस पी स्क्वायर प्लस वन दे रखा है हमें और हमें प्रूव करके लाना है टू अपॉन रूट थ्री साइन हाइपरबोलिक टी बाई टू डॉट साइन रूट थ्री बाई टू टी ठीक है तो ये वाला हमारा लाप्लास इन्वर्स चैप्टर का है लाप्लास इन्वर्स को तो आप ना छोड़ें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन इसमें से आपके जरूर फंसेगा तो आप इसको एकदम क्लियर करके जाएं ये भी पूछ सकते हैं आपसे डिफाइन कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड सॉल्व डैट डिफाइन या फिर स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए भी आ सकता है आपका और सॉल्व उसी में आपसे क्वेश्चन भी दे दे सकता है वो कि कोई हमें प्रूव करके दिखाइए इस चोरम से लाप्लास इनवर्स पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर नेक्स्ट है हमारा सॉल्व डी स्क्वायर प्लस नाइन वाई इक्वल कॉस टू टी एफ वाई जीरो इक्वल वन है और वाई की आ, वाई पाई वाई टू इक्वल कितना है हमारा माइनस वन है तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से लिया गया है नेक्स्ट है हमारा डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर वेयर वाई जीरो कॉमा टी इक्वल जीरो इक्वल वाई फाइव कॉमा टी एंड वाई एक्स कॉमा equal टेन साइन फोर पाई एक्स ठीक है और इन को, इन क्वेश्चंस को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें नहीं दिए हैं उनमें शामिल हैं इसलिए और पेपर को करने से पहले आप जो प्रीवियस पेपर हैं अगर आप प्री एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो जो प्रीवियस पेपर आए हैं पहले उनको आप जरूर लगाएं क्योंकि उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिक्सटीन फाइंड फोर कोसाइन को साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड हैंस फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हमें क्या आ, क्या फाइंड करना है इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एफ एक्स इक्वल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का और इसका हमें क्या फाइंड करना है ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये जो ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर ईयर फोर ईयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो आप इसको भी ज़रूर देख लें फाइनाइट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म इन सभी को देख लें ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट फाइंड द फाइन एड फोर ईयर साइन एंड क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स जीरो इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन फोर तो ये आपके जो डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये थे इसमें सारे तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करें तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग